नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूँ आपका माय स्ट्रीट स्केट डिजाइन में। दोस्तों आज हम बातें करेंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बारे में, ठीक है। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का शॉर्ट कमांड है डी, क्लिक किया एंटर किया। एंटर करने के बाद से आपको इस टाइप का कुछ डिस्प्ले पर आइकन ओके हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से आप मॉडिफाई में जाओगे। मॉडिफाई में जाने के बाद से आपको बहुत सारी ऑप्शन आएंगे, लाइन आएगी, सिंबल से नैरो आएगा, टेक्स्ट आएगा, फिट आएगा, प्राइमरी यूनिट आएगी, अल्टरनेट यूनिट आएगी, टॉलरेंस आएगी। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट से होता क्या है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। समझने के लिए पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल हमने 50 by 50 का हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायमेंशन हम देते हैं। डायमेंशन के लिए डीएलआई के लिए दिया। अब क्या है, जैसे हमारी यहाँ पे फिट कर दिया मैंने डिस्प्ले पे अपने ड्रॉइंग, लेकिन हमें अब डायमेंशन बहुत छोटी दिख रही है। डायमेंशन की हमें टेक्स्ट हाइट बढ़ानी है। जूम करने के बाद से तो हमें डायमेंशन दिख रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि डिस्प्ले पे इसको फिट कर दिया जाए तो हमें पूरी की पूरी डायमेंशन दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाने के लिए क्या करेंगे, डी क्लिक करेंगे। डी क्लिक करने के बाद से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद से मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाना है। अब हमको क्या करनी है, टेक्स्ट पे काम करनी है। हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, किसी भी दूसरे में रहेंगे तो हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। हमें टेक्स्ट हाइट बढ़ानी, टेक्स्ट हाइट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0.18 मेरे में है, जो भी होगा। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। 2 क्लिक करने वाले एंटर किया। एंटर करने वाले से ओके किया। ओके करने वाले सेट करंट किया। सेट करंट करने के बाद से क्लोज कर दिया। ये देखिए दिखने लगा, ठीक है। अब फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो हमारी डायमेंशन है ये थोड़ी कलर हो जाए, रेड कलर हो जाए, येलो कलर हो जाए, दूसरे कलर हो जाए, तो उन चीज को लिए आप कर सकते हो। यहाँ से देखो मॉडिफाई में गए, डी क्लिक किया। डी क्लिक करने के बाद से मॉडिफाई में जाने के बाद से यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल जो है हमारा वो हमेशा स्टैंडर्ड में रखिएगा। यहाँ से आप जाकर के टेक्स्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप चेंज नहीं करिएगा, हमेशा स्टैंडर्ड रखिएगा। टेक्स्ट कलर में है आपको, आप रेड कर सकते हो आपकी टेक्स्ट कलर। जो भी हम यहाँ पे करेंगे ना उसको आप समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको शो होगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। हमें मेन डिस्प्ले पे जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप जो भी कलर लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। फिल कलर में क्या है, फिल कलर में जो भी हमारी ये टेक्स्ट है हमारी, ये टेक्स्ट एक कलरफुल रेक्टेंगल में आ जाए अगर इसमें हम कोई कलर दे देते हैं। फिल कलर में हम जैसे दे दिए ग्रीन दे दिया, तो देखिए ग्रीन में आ जाएगी, रेड हमने दिया रेड में आ जाएगी। इस टाइप से हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत नहीं है, हम नॉन कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हाइट हम जान लिए, इसको हम अभी चलिए इसको येलो ही रहने। ड्राफ्ट फ्रेम अराउंड टेक्स्ट क्या होता है, ड्राफ्ट फ्रेम अराउंड टेक्स्ट जो होता है वो हमारी जो भी ये हमारे डायमेंशन है ये एक रेक्टेंगल के अंदर रखनी है, तो इसको आप चेक कर, चेक किया ये हमारी रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगी, येलो हो गया और हमारी ये चारों बगल ये रेक्टेंगल बन गया। अब इसमें रेक्टेंगल की हाइट को बढ़ाना है। हाइट को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद से ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन है, इसको बढ़ा दू, इसको मैं कर देता हूँ 1 mm। इंटर किया, इंटर कमांड करने के बाद सेट करंट और क्लोज करते हैं। ये देखिए हमारी टेक्स्ट, ये जो हमारी रेक्टेंगल बनी है ये हाइट भी हम बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मेरे को रेक्टेंगल नहीं चाहिए। रेक्टेंगल अब नहीं चाहिए, तो अब देखिए इसकी अब यूज क्या है, इसकी थोड़ी रेक्टेंगल के बाद से देखिए। इसको मैंने 0.5 दिया, इंटर किया, क्लोज किया, सेट करें, ओके किया। अब ये जो लाइन है ना, टेक्स्ट लाइन, ये लाइन और इन टेक्स्ट के बीच में गैपिंग जो है वो 0.5 की है। अब मैं चाहता हूँ कि और थोड़ी गैपिंग हो जाए, तो देखिए आप मॉडिफाई में गए। मॉडिफाई में जाने के बाद से इसको मैंने 10 mm कर, ओके किया, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है इसका यूज क्या है। देखिए कितना गैपिंग हो गया, ठीक है। यही ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन का मेन पर्पस है, ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन का यही यूज है। इसको हम रखते हैं 0.1 रखते हैं, जा से रखते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट प्लेसमेंट है, टेक्स्ट प्लेसमेंट, अब जैसे मेरे को ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइन जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में हम चाहते हैं कि अबव ऊपर चाहिए, तो ये ऊपर मैंने क्लिक किया, वर्टिकल में ऊपर क्लिक किया, ऊपर क्लिक करने से ओके सेट करें, लेकिन लाइन ब्रेक करा, लेकिन हमारी ये नहीं आई, जो हमारी साइड वाली है वो नहीं आई। तो उसके लिए ओके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई में आने के बाद से अलाइंड या फिर ISO कोई सा भी एक ले लोगे आप, यहाँ से हॉरिजॉन्टल ना लेकर के अलाइंड या फिर ISO ले लोगे, ओके करोगे, आपकी वो भी आ जाएगी।
ठीक है, लेकिन हमें चाहिए हमेशा ये ड्रॉइंग में आप अच्छा ड्रॉइंग बनाने के लिए आप इसको भी हमेशा सेंटर में रखिएगा, ठीक है, ये सेंटर में रहना चाहिए, ये सेंटर में रहना चाहिए। और यहाँ पे व्यू डायरेक्शन जो है ये दूसरा जो है रेड राइट टू लेफ्ट ये है उल्टा कर देता है, जो भी डायमेंशन है वो उल्टा कर देता है, ठीक है, तो इसको लेफ्ट टू राइट हमेशा रखिए और इसको आप हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये थी हमारी आज, चलिए ओके कर देते हैं, ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। आई होप कि आपको आज की क्लास में जो भी हम ड्रॉइंगे बनाते हैं उसमें टेक्स्ट के लेकर के जो भी प्रॉब्लम आती होंगी आपको वो सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।